4-0 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फुटबॉल मैच, यस नॉट अ क्रिकेट मैच, हटो यहां से, फुटबॉल मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 4-0 सुनील छेत्री हैट्रिक। भाई आई नो, पता सिंपल है, आई नो ये गेम लाइक इतनी क्लाउड, आई नो काफी एक्सक्यूजेस ऑब्वियस, काफी रीजनेबल चीजें हैं ऑब्वियसली। पाकिस्तान लेट आई, उनको वीजा नहीं मिला, उनकी टीम मॉरिशस से निकल रही थी, एयरपोर्ट पे 6 घंटे बैठी, पता नहीं क्या हरकत है, जो भी पता नहीं, अजीब अजीब चीज है। उनके 6 पेयर पहले आए फिर बाद में आए, उनकी टीम ने बस 6 मैचेस खेले हैं, बहुत ही नई टीम बन रही है पाकिस्तान की, अंडरस्टैंडेबल है। आई नो इंडिया इतनी तोड़ नहीं थी जितना लाइक स्कोर बताता है, मे बी आई डोंट नो, बट अल्टीमेटली इंडियन फुटबॉल इज ऑन द अप, वी कांट डिनाई। अब छोटे से अप बड़े से अप मुझे फर्क पड़ता नहीं, बट इंडियन फुटबॉल राइज पे तो है, ये प्रॉपर जो क्लाउट मिल रहा है इट्स डिजर्व्ड, वी हैव टू हाइप इट अप, हमें हाइप करना पड़ेगा, वी हैव टू, हमें इनिशियल फेज में एक्टिंग करनी पड़ेगी लॉन्डो, वी हैव टू, क्योंकि अभी भी लॉन्डो मैं एक्ट नहीं कर रहा, ये जो इतनी बड़ी गेम थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इतनी बड़ी गेम, क्या तुमको लगता है जिनकी मार्केटिंग अच्छी तरह हुई? मुझे लगता नहीं भाई। पहले मैच यूट्यूब पर अटक गया, पता नहीं यूट्यूब पर कहां पे आ रहा था, फिर प्रसार भारत स्पोर्ट नहीं कहां पे, डीडी स्पोर्ट्स सेट के डीडी भारती पे आ रहा था, ब्रॉडकास्टिंग इतनी टॉपसी टर्वी, इतनी अनक्लियर, लोग कैसे देखेंगे, फैन कोड में 15 रुपए दे रहे हैं, आई नो बट स्टिल जो भी है, हॉटस्टार ये सब क्यों नहीं ले पा रहे, मुझे लाइक कुछ समझ नहीं आ रहा, आई डोंट नो भाई, मुझे इंटरक्रिसिस पता नहीं है, मुझे जाननी है, बट मुझे पता नहीं, अगर इतनी बड़ी गेम है फुटबॉल की, लिटरली एवरीबडी, ये तुम्हारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुम सबको अट्रैक्ट करो, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इज मोर देन फुटबॉल, तुमको पता ऑब्वियसली, यू अट्रैक्ट एवरीबडी, सारे अंकल सारे दादा सब कुछ, मैम जो सब कुछ देखते हैं, किसी को बुलाया नहीं, मतलब मेरे को तो ऐसे लगता है इस गेम में और हम कुछ कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, हम कर सकते थे, और अब भी लॉन्डे बोल की पाकिस्तान तो गंदी टीम थी, मतलब अभी भी नई टीम बनी है इनके, तो इनको मैच पोस्टपोन कर देना चाहिए था, विच इज फेयर, कम ऑन, ये कोई फुटबॉल गेम नहीं थी, दिस वॉज नो फुटबॉल गेम। अगर एक टीम दोपहर के 12:30 बजे इंडिया लैंड कर रही है बैंगलोर में, और तुम्हारा 7 बजे किक ऑफ है, 7:30 बजे, तुम 2-3 घंटे के रेस्ट, फिर तुमको ट्रेनिंग करनी, तुम कैसे करोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। आई फेल्ट बैड पाकिस्तान के लिए, कोई पॉइंट था नहीं ऑब्वियसली, बट अल्टीमेटली वी टेक इट बाय 4-0 इज गुड, इट्स गुड एडवर्टाइजिंग, सुनील छेत्री हैट्रिक। पता मैं इस वीडियो की शुरुआत करूंगा, मैं इस पूरे रिव्यू का जो भी कहते हैं इसकी शुरुआत करूंगा विद सुनील छेत्री। सुनील छेत्री इज 38। अगर तुम सुनील छेत्री का, मैंने पहले बोल रखा है कि सुनील छेत्री अगर क्रिकेट खेल रहा होता, ही वुड हैव बीन द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी इंडिया में, आई एम नॉट इवन किडिंग, द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, द वे उसका ऑरा है, उसका डिसिप्लिन, व्हाट ही सेल्स, व्हाट ही स्टैंड्स फॉर, इट्स क्रेजी। अगर तुमने ऐसा कोई भी पॉडकास्ट देखो सुनील छेत्री का, ही इज टू गुड, टू डेडिकेटेड, प्रॉपर रोनाल्डो माइंडसेट, मैं भी नहीं कर रहा, प्रॉपर वही डेडिकेशन, वो सब हरकत है। 38 की उम्र में, आई रिमेंबर जब रोनाल्डो गया था यूनाइटेड, तो रोनाल्डो बोलते कि भाई ये तो प्रेस नहीं कर रहा, बहुत वो रागनी का फुटबॉल मैच नहीं कर पाएगा। सुनील छेत्री प्रेसेस लाइक अ डॉग एट द एज ऑफ 38। आई डोंट केयर कि ओपनिंग पाकिस्तान है या फिर लेबनन है या फिर भूटान है, मुझे पता नहीं, जो भी, सुनील छेत्री की इंटेंसिटी विदाउट द बॉल इज क्रेजी। एंड द रीजन मैंने वर्ड यूज करा इंटेंसिटी, क्योंकि पूरी ईगोस्टी मैच की फिलोसफी यही है, ईगोस्टी मैच की पता फिलोसफी, तुम ये नहीं बोलो कि भाई पोजेशन फुटबॉल बहुत ज्यादा, मतलब है ट्रू ऑब्वियसली, अगेंस्ट पाकिस्तान तो करोगे तुम डोमिनेट ऑब्वियसली, बट इतना कुछ है नहीं कि तुम टिक टक करो, लाइक इतना कुछ डीप नहीं है, देयर इज नो पोजिशनल टर्म्स, इतनी ज्यादा नहीं, इट्स वेरी सिंपल, इतना कुछ डिफरेंट नहीं इंटरप्रेट करना, मोस्टली विंग प्ले है, हमारी मेन स्ट्रेंथ छांगते हैं, व्हाट अ प्लेयर आशिक कुरुनी एंड सहल, ये सब चीजें, तो बॉल को वाइड करो बेसिकली, अंडरस्टैंडेबल। अगर तुम देखो ईगोस्टी मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो हमेशा बोलता कि मेरा पूरा प्लान है कि शुरुआत के 30 मिनट्स वी प्रेस हाई, ऑब्वियसली मेरा गला बहुत प्यारा है, वी प्रेस हाई कुत्ते की तरह, मैं मैच भी नहीं कर रहा। और तुमने अगर गेम देखी होगी अगेंस्ट लेबनन या फिर जो भी, पता इंडिया की गेम आई रिसेंटली इस महीने जो भी है, इंडिया ने इनिशियली इंटेंसिटी बहुत हाई करी, हाँ एक बहुत सडन ड्रॉप ऑफ होता है, अंडरस्टैंडेबल है, बट वो इंटेंसिटी को कीप अप करने के लिए तुम्हारा अटैकर तुम्हारा फर्स्ट डिफेंडर सुनील छेत्री, सरप्राइजिंग कुछ है भी नहीं, जितना इफ यू नो हिम लाइक इन टर्म्स ऑफ उसके पॉडकास्ट इंटरव्यूज, अगर तुमको पता हो कैसी पर्सनैलिटी है, ही स्टिल सेज कि आई हैव नॉट सीन कोई बंदा जो मुझे बीट कर दे रेस में, ही सुपर कंपेटिटिव और वो गेम में दिखता है, नॉट इवन किडिंग। सुनील छेत्री की पोजिशनिंग इज ऑन पॉइंट ऑल द टाइम, वो जो गोल मारा प्रेसिंग से गोलकीपर को, आई नो कीपर ने गोल दे दिया ठीक है ऑब्वियसली, बट वो प्रेस करना इनिशिएट बार बार 38, इट्स नॉट इजी लॉन्ग। ये इंडिया टीम इज नॉट अ वेरी ब्यूटीफुल टीम, लाइक अनवर अली इज द बेस्ट सेंटर बैक इंडिया का ऑब्वियसली, इसमें कोई डाउट नहीं, बट स्टिल नॉट अ वेरी लाइक यू कांट, अगर मैं सुनील छेत्री हूं ना तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं, कभी कभी क्लियर बॉल देंगे नहीं मुझे, काफी गंदे गंदे पासेस कर देंगे, बट बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है फॉर लाइक सुनील छेत्री, अगर मैं मेन स्ट्राइकर हूं बॉक्स में बॉल देते नहीं वो सब हरकतें, बट जो पेशेंस लेवल, जो डिमांड, जो प्रेस को लीड करना, देयर इज नो रिप्लेसमेंट। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट उसकी फिनिशिंग, आई एम नॉट इवन सेइंग कि वो इंडिया का बेस्ट फिनिशर, एंड वी हैव नथिंग अपार्ट फ्रॉम हिम, प्रॉपर सुनील छेत्री डिपेंडेंसी है हमारे पास, प्रॉपर वी आर डिपेंडेंट। आई नो इस टाइम पे छांगते बहुत तगड़ा कर रहा है, अंडरस्टैंडेबल है,
वो बिल्कुल नेक्स्ट यूरोपियन लेवल हो चुका पता नहीं कैसे। उसकी क्विकनेस, उसकी गेम अंडरस्टैंडिंग, ही इज कॉन्फिडेंट कि मार्को को बीट करेगा बार बार। ही इज कॉन्फिडेंट एटलीस्ट साउथ एशिया लेवल में तो उससे बड़े विंगर मेरे ख्याल से नहीं। हु इज अ बेटर विंगर देन शांते इन साउथ एशिया? आई डोंट थिंक सो देयर इज। भाई कम ऑन, ही इज टू फिट। उसकी पूरी बॉडी, उसकी टेक, लाइक इट लुक्स लाइक अ प्रॉपर यूरोपियन प्रोफेशनल। आई एम नॉट इवन किडिंग, वो इतना बड़ी लगता है, मैं एग्री कर रहा हूं। तो बता सिंपल, पता मैंने काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मैं तीन चार मैंने गेम में देखे ऑब्वियसली, मैंने मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया बहन चोद कि इंडिया की फिलोसफी क्या है, व्हाट इज आवर फिलोसफी? क्या हम बॉल रख रहे हैं अंडर ईगोस्टी मैच, क्या हम ये सब हरकत ले, कुछ स्पेसिफिक है? एंड आई थिंक इंडिया की फिलोसफी कुछ है नहीं, बस वही चीज एम्पलीफाई कर दी। दिस इंडिया टीम इज मच फिटर, इट्स वेरी फिट। एंड ऑब्वियसली होगी क्योंकि ईगोस्टी मैच को प्रॉपर कैंप मिला, ही गॉट ए प्रॉपर कैंप, उसने प्रॉपर ट्रेनिंग करी इस बारी डेफिनेटली गेम्स के लिए जो भी है। और इंडिया बहुत गेम भी खेलने वाली है सितंबर में, अगस्त, सितंबर में, नवंबर में, मुझे पता नहीं कहां, एंड फिर जनवरी में एशियन कप है लॉन्डो। तो इंडिया एक तो सुपर फिट है, ठीक है, स्क्वाड में कंसिस्टेंसी आ रही है। निखिल पुजारी, दैट राइट बैक इज वेरी गुड, ही इज द बेस्ट राइट बैक इंडिया मैट दिस प्ले। कम ऑन, देयर इज नो रिप्लेसमेंट, देयर इज नो। आई नो सुभाषीष बोस था, सॉरी आई नो प्रीतम कोटाल था ऑब्वियसली, बोस उतारा था ऑब्वियसली, बट नीरज ने प्रॉपर अपना स्पॉट बना लिया राइट बैक, नॉट इवन किडिंग। नंबर 10 सहल, आई नो बहुत कभी कभी हरकतें करता, बट ही इज टू गुड, ही इज टू सिल्की, यू कांट बेंच हिम। वो प्रॉपर यूएई ट्रेन लड़का, यू कांट इग्नोर हिम ऑब्वियसली, कोई पॉइंट नहीं है। ये सब बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। आई थिंक इंडिया की फिलोसफी उन्होंने फिट कर दिया, ईगो सिमेट मेड इस टीम फिट एंड इंटेंस। अब इंडिया मेन स्ट्रेंथ सिंपल, अगर कोई भी ओपोनेंट, जो लेबनन ने करा था, अगर कोई भी ओपोनेंट 40 या 30 यार्ड अपने गोल से ऊपर डिफेंड कर रहे हैं, इंडिया विल किल देम, आई डोंट डाउट इट। क्योंकि इन बिहाइंड पर जो पेस है छंगते का, आशिक का, छेत्री का, थापा का, थापा थर्ड मैन रन देता हो, यू कांट टच दैट, यू कांट। लाइक एक हाई लाइन पे इंडिया भूत बना गई, बट वेन इट कम्स टू बीटिंग एक लो ब्लॉक और शार्प ना पासिंग में, उसमें इंडिया इज नॉट दैट गुड अभी भी। एंड पार्ट ऑफ दैट रीजन इज कि गोल कीपर हमारा बॉल प्लेइंग नहीं है। अगर तुमको पूरी फिलोसफी शिफ्ट करनी है, तुम्हारा गोल कीपर बॉल प्लेइंग होना चाहिए, तुम्हारे दोनों डिफेंडर्स, आई नो झंगन और अनवर अली आर टॉप क्लास, दे आर द बेस्ट टू सेंटर बैक्स इंडिया में, नो डाउट। अनवर अली की जो कल गेम थी, अनवर अली की जो कल गेम थी, दैट वॉज नेक्स्ट। आई हैव नॉट, दैट गाय डिजर्व्स ए सऊदी वाला कॉन्ट्रैक्ट, आई एम नॉट इवन किडिंग। वो इतना बड़ी है, ही इज बाय फार द बेस्ट डिफेंडर इन इंडिया, बाय फार। उसके बिना काफी काफी चीजों ईगोस्टी मैच अप्लाई, तुम इमेजिन करो, वो लड़का बस एक साल पहले सीम में आईएसएल में, उससे पहले पता ही कहां था, और आते नेशनल टीम में आ गया, ही इज टू गुड। ईगोस्टी मैच स्टार्ट भी करा दिया, ही इज टू गुड, यू कांट इग्नोर अनवर अली। भाई व्हाट अ प्लेयर, विद द बॉल काम, एक दो स्विचेस ऐसे मारे यार, कौन, अगर किसी कोच के पास वैसा सेंटर बैक है, वो तो जो बिल्डअप जो भी करा लो कर लेगा भाई, तुमको कुछ भी कराना करो, यू कैन। इंडिया ने कल क्या करा, इंडिया ने बस सेंटर बैक रखे, झंगन और अनवर अली, बस वो दो सेंटर बैक रखे और उनसे बिल्डअप करा, नो नीड फॉर जैक्सन टू ड्रॉप, बिल्कुल दो बंदे काफी थे, क्योंकि अनवर अली इज टू गुड ऑन द बॉल, ही इज टू कंफर्टेबल, ही नोज इज टू ब्रेव विदाउट द बॉल ऑल्सो, इट्स क्रेजी। मैंने जो कल परफॉर्मेंस देखी अनवर अली की वॉज नेक्स्ट लेवल, आई एम नॉट वेटिंग। तो पता है इंडिया की फिलोसफी आते नहीं, अब तुम बिल्कुल फिट कर दो टीम को, बिल्कुल इंटेंस कर दो, हाई प्रेस जो भी, ठीक है, क्योंकि अब भी इंडिया में इतनी क्वालिटी नहीं है फाइनल थर्ड में, वी डोंट हैव द क्वालिटी। तो भी जो ईगोस्टी मैच गेम खेल रहे ना, बेसिकली वो है कि टेरिटरी वाली, कि तुम प्रेस कर लो ओपनिंग गोल के पास, ताकि बॉल रिगेन करो, गोल मार दो, बस ये एक अंडर, लाइक आई अंडरस्टैंड कि ईगोस्टी मैच क्या कर रहा है, लाइक। और एक तो लॉन्डे पता है बहुत हाइप भी कर रहे हैं, यू कांट हाइप इंडिया इतना, अगर तुमने एक कोच को चार साल दिए, ही हैज टू डिलीवर, उसको डिलीवर करना पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन है नहीं उसके पास, क्या करेगा वो, माय गॉड, ऑब्वियसली ही हैज टू डिलीवर भाई, जेन्युइनली। तो अल्टीमेटली मुझे को लगता नहीं, आई थिंक मैं इतना आई एम नॉट हाइपिंग इतना ऑब्वियसली, बट मैं एक मेंटालिटी से देख रहा हूं गेम को कि हाँ ठीक है, इंडिया इंप्रूव तो डेफिनेटली कर रही है, एंड इट्स इंटरेस्टिंग भाई, ठीक है, साफ चैंपियनशिप जीत जाएगी ऑब्वियसली, इंटरकॉन्टिनेंटल जीत चुके हैं वो सब हरकते हैं, बाकी कुछ बोलने की, पूरी अगर तुम देखो ना टीम, उसका सेटअप इज इंटेंस, भूखे शेर अनिरुद्ध थापा इज ए कॉम्पनसेटर बाय डिफॉल्ट, जहां भी हो लो भर देगा वो, लिटरी पेपर वो क्रैक्स करता, जहां भी हो लो वो भाई, वो दिहाड़ी में काम करता, क्या वो क्या कर रहा हो, जहां भी क्या पे भर देगा, जहां भी प्रेस प्रेस कर देगा। उसने कल दो गोल निकाले अपनी काउंटर प्रेसिंग से, इंडिया काउंटर प्रेसिंग हैज इंप्रूव्ड अ लॉट थैंक्स टू थापा, यू कांट रिप्लेस थापा। एंड जैक्सन बहुत, इट्स अ गुड टीम भाई, आई लाइक दिस बंच ऑफ टीम इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, मुझे पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, मुझे इनकी एटीट्यूड अच्छा लगता है जेन्युइनली। क्वालिटी ऑब्वियसली कैन इंप्रूव, यू कांट एक्सपेक्ट इंडिया टिकट टाका उसे हरकत करेगी ऑब्वियसली। कल की गेम इतनी परफेक्ट नहीं थी, बोरिंग भी हो गई थी, अंडरस्टैंडेबल। पाकिस्तान बुरी, अंडरस्टैंडेबल, मतलब अभी तो इंप्रूव करिए पाकिस्तान, अंडरस्टैंडेबल, उनके लिए बहुत बड़ी गेम थी। बट 4-0 छेत्री हैट्रिक, लेट्स एडवर्टाइज इट लॉन्डो, व्हाई नॉट, जय हिंद लॉन्डो भाई।